हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज करेंगे हम कमाल रेडमी K30 में। जी हाँ, हम बनाएंगे इसके दो पंच होल, डिफरेंट पंच होल। जैसे आप देख सकते हैं मेरे रेडमी K30 में आ रहा है, दो डिफरेंट पंच होल दिख रहे हैं आपको। ये हम मैंने कैसे किया मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो हम खोलेंगे पहले सेटिंग और चेंज करते हैं इसको डुअल पंच होल जो पहले आता है जैसे फ़ोन। तो ये देख लीजिए, ये हो गया है। ये मैंने कैसे किया, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे माई डिवाइस, यहाँ पर हमने ऑल स्पेक्स खोलना है और जो MIUI वर्जन है इसको 6-7 बार दबा देना है कि आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाए। तो मैंने ऑन कर दिया है, तो इसलिए मेरे कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं। और अब हम जाएंगे लास्ट में एडिशनल सेटिंग में, जहाँ पर मिलेगा आपको डेवलपर ऑप्शन की ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने जाना है विथ सेटिंग में। तो कहाँ पर होगी विथ, तो स्मॉलेस्ट विथ ये 392 dp है जो हमने चेंज करके 381 कर देनी है। और ये हमारे डुअल पंच होल बन जाएंगे, सिंगल सिंगल दो पंच होल। जी हाँ, तो ये है शाओमी का घपला जो शाओमी ने किया है रेडमी K30 के साथ। क्यों किया नहीं पता, आप देख सकते हैं मैं कोई भी ऐप खोल रहा हूँ जिसमें ये डुअल दो पंच होल्स दिख रहे हैं। जैसे मैंने क्यू खोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कौन सा बढ़िया लग रहा है, ये डुअल दो पंच होल्स या जो एक साथ थे जैसे ऑनर V30 नोवा 6 में आए हैं वैसे? समझ नहीं आया मुझे शाओमी ने क्या चीज़ की है, क्यों किया है, क्योंकि मैंने उनमें भी ट्राई किया था, ऑनर V30 में मैंने ट्राई किया और ये उसमें नहीं हुआ, सिर्फ रेडमी K30 में ही है। तो भाई आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो भाई हम इसको चेंज कर लेते हैं फिर से हम जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में और यहाँ पर हमारी कहाँ गई स्मॉलेस्ट विथ, तो 392 हमने 400 कर दी मैंने, चलो वो भी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप रेडमी K30 फ्यूचर में लेने को सोच रहे हो तो आप ये कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए।